इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। मैंने पूछा था उनसे कि संजना को आप जानते हैं क्या? नो नो, आई डोंट नो एनी संजना। कितना सीक्रेट रखते हैं मुझसे। आने दो, मैं पूछूंगी उनसे। नहीं, मैं क्यों पूछूं? हर बात पूछी नहीं जाती, कुछ बातें खुद से भी इंसान को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। मुरुगन, दिस इज नॉट डना। मैं अब सिर्फ चुप रहूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग, नॉट एट ऑल। क्या हो गया इसको? डब्बा गुल मदरसा अकेले में बड़बड़ा रही है, हदी कर दी, खुद को लेक्चर दे रही है। आई जस्ट डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। पागल हो गई। क्या हो रहा है? उसमें हंसने की क्या बात है? यहाँ कुछ फनी नहीं हो रहा है, हर चीज में मजाक उड़ाएंगी। बेटा मदरसा में कोयता लेके तैयार है, ये तुझ पे चढ़े उससे बोले तू ही चढ़ जा। शाबाश। अरे ओ झांसी की रानी, क्या हाल मान रखा है मेरे कमरे का? आदमी ऑफिस से थक के आता है, सोचा अपने कमरे में आराम करूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैडम ने रायता फैला रखा है। मेरे कमरे की तो तुमने बैंड बजा के रख दी है। मेरा कमरा मतलब? ये मेरा भी कमरा है। आई एम मैरिड टू यू। हाँ, आपसे शादी हो गई मेरी लीगली, तो आप ये मेरा कमरा क्या लगाए हो? आपका जो भी है ना आधा मेरा भी है। ठीक है, आई नो माई प्लेस, मैं रूही की इशिमा हूँ, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए मैं लड़ाई कर सकती हूँ। क्या हुआ, किसी पेशेंट ने काट खाया गया या केस कर दिया? फाइनली पता चल गया तुम नकली डॉक्टर हो। हर बार आप मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हो। क्यों? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई हेल्प पीपल। आपकी तरह मैं कोल्ड ड्रिंक बना बना के नहीं बेचती हूँ। Exactly. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिंदगी भर तो नारियल पानी पिया खाली तुमने। मेरे कंपनी में फाइन फूड डिवीजन है, वो तुम्हारे पल्ले के बहुत बाहर है। अरे वो सब छोड़ो, मैंने काटने को कोई दौड़ी है। प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। गले प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं बोलूँ। अरे हेलो, अकेले में क्या बड़बड़ कर रही हो यार? घुट के मर जाओगी, मुंह खोल के बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है। बोलना है तो आप बोलो ना, मैं क्यों बोलूं कुछ भी? मुझे वैसे भी मेरी प्राइवेसी चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या? ठंडा पानी डालो अपने सर पे। एक तो मर मरा एक आदमी तुमको भाव दे रहा है, ले लो वरना घुट के मर जाओगी। सच्ची बोलो, नसें फट जाएगी बीपी आयोगे तो। आपको हर बात पे सिर्फ लड़ाई करनी होती है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैंने आपसे बोला ना, आप बस यहाँ से जाओ। अरे क्यों झगड़ रही हो, बोलो ना। अरे मैं आपसे क्यों बोलूँ? अगर आपको पता नहीं तो आप मुझे कुछ बताओ। आप तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताते नहीं हो, सो आई वोंट टॉक टू यू। अरे नींद की गोली खा के सो जा, मेरी माँ ने तो मर जा अकेले यार। अब जाओ ना यहाँ से, मैंने बोला ना। एक बात कान कर सुनो, लेकिन हेलो तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो। कल मिहिर का तिलक है, जितना नाटक करना आज करो, कल कोई नाटक नहीं चाहिए तुम्हारा मुझे। कल मेरी बहन का भी फंक्शन है और हम लोग बड़े सच्चे दिल के लोग हैं। आपकी तरह हम लोग कोई छुपे रुस्तम टाइप नहीं है, तो बाय द वे आप कल कोई तमाशा मत करो। तमाशा तो हम करते नहीं है, तमाशा करने का कॉपीराइट तो सिर्फ तुम मद्रासियों के पास है। हमारी क्या औकात है तमाशा करने की? एक काम करो, कल तक तुम मुझसे बात मत करो। कल क्यों? मैं तो कहती हूँ हमेशा बात नहीं करते हम। प्रॉमिस? वेरी बड़ी। आई लव यू गॉड। तू सुनता है, तू है, तोड़ना नहीं है प्रॉमिस। Who wants to talk to you? Nobody. Bye. पंडित जी, इतनी देर क्यों लग रही है सब काम में? बस सारी तैयारी हो चुकी है, मुहूर्त के 15-20 मिनट और बाकी है। बस आप अपनी पत्नी के साथ तैयार रहिए पूजा में बैठने के लिए। ये पूजा अकेले नहीं हो सकती क्या? जरूरी है बीवी की? नहीं, सत्यनारायण की पूजा में पत्नी के साथ नहीं बैठना होता है। हाय रमन, कैसा लग रहा हूँ? पंजाबी ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हो। क्या हुआ, चेहरा को लटका हुआ तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं यार, ये तो ऐसे ही बस। हाँ, ये टोन तो मुझे वैसा लग रहा है जैसे बीवी से झगड़ा करने के बाद हो जाता है। झगड़ा हुआ? मुझे बात बता, ये अम्मा पापा ने क्या खा के इन बहनों को पैदा किया? जब देखो काटने को दौड़ती। अरे कल रात को बिना किसी मतलब के डांट दिया मुझे यार। लेकिन किस बात पे? मतलब वजह क्या थी? अरे वजह मुझे पता तो बताओ ना, तेरे को 10 बार पूछ चुका हूँ यार, बोलने को तैयार नहीं है। बोलती है आप मुझे बताओ, आई नीड प्राइवेसी। यार इन अय्यर की बेटियों को अगर सड़क पे भेज दिया ना तो पड़ोसी मुल्क 2 दिन में सरेंडर कर देगा। ऊपर से पंडित ने अलग टेंशन दे रखा है, बोलता पूजा में साथ में बैठना। तू सुखी है यार, तेरी वाली फिर भी दिमाग वाली है। ऐसा होता है कि दूसरे की थाली का लड्डू ना हर किसी को बड़ा लगता है। एक बार मेरे घर आकर देखो, पूरा का पूरा नारी मुक्ति मोर्चा केंद्र खुला होता है। जरा सी चूक की नहीं आपने कि 4 प्लेटें टूट जाती हैं, ठा ठा ठा। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इशिता आकर तुम्हारे साथ पूजा में जरूर बैठेगी। देखो तुम्हारे कारण बेशक ना बैठे, लेकिन मिहिका और मिहिर के कारण तो उसे बैठना ही पड़ेगा ना। अरे अपनी फैमिली का फंक्शन खुद थोड़ा स्पॉइल करेगी। यार तू भी परेशान, मैं भी परेशान, हम दोनों पूजा में नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना मेरे भाई, तो दुनिया का कोई भी मर्द कभी भी शादी नहीं करता। क्या आप मुझे अभी बता रहे हो कि गैस खत्म हो गई है? कैसे करते हो आप भैया? अब तो मैं तो हलवा बन चुका होना चाहिए था और अभी तक बना भी नहीं है। जी मैडम जी, वो स्टार्टर्स में ही खत्म हो गया। केयरलेस हो भैया आप। अब क्या करें मैडम? क्या करेंगे मुझे क्या पता। अच्छा आप जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या अभी प्रसाद के लिए रमन से बात करनी पड़ेगी। मुझसे तो बात करना ही नहीं चाहती हूँ मैं। कन्वीनियंटली नहीं देखेंगी, काम है तो क्यों लोग देखेंगे ना मेरी तरफ। जितनी लाउड हो गया यार, कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि म्यूजिक बहुत तेज बढ़ रहा था और इशिता ने बोला है कि पानी का ड्रम मंगवा ले। पानी का ड्रम? हाँ ठीक है, आप चलिए मैं मंगा लेता हूँ। पागल है मद्रास से, चाहिए पानी का ड्रम और इशारा ऐसे करी जैसे गैस का सिलेंडर चाहिए इसको। पंडित जी, हलवा बनने में ना थोड़ा वक्त है, दरअसल गैस खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी तो पूजा में भी समय है? आराम से हो जाएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या राकेश, पहल कोई भी करे, शादी के बाद पिस्ता तो मर भी है ना। कॉलेज के दिन अलग होते हैं, आप फ्री होते हो, सिंगल होते हो, शादी कर लो, अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। बिल्कुल करेक्ट है रमन भाई। करेक्ट ही तो है, इसलिए ना कुछ लोगों को पास्ट में ही रहना चाहिए, क्यों बेफिजूल किसी का प्रेजेंट खराब कर। एग्जैक्टली, तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। अगर फ्यूचर दिखता और खासकर अगर फ्यूचर ऐसा होता तो आदमी पास्ट को पॉज ना कर लेता। वैसे तुमने शादी की नहीं की तो करना मत, बहुत पछताएगा। क्या हो रहा है मेरे बेचारे जीजू को? इतने टॉन्स क्यों मार रही हो? बेचारे बनते हो है नहीं, उनके कमेंट्स देखे। नॉट राइट अक्का, आज के दिन भी ये सब छोड़ो ना। अभी तो छोड़ी तो रही हूँ, कर ले अकेले वो पूजा, मुझे नहीं करनी उनके साथ में पूजा। कम ऑन अक्का, अपनी नाराज की पूजा पे तो मत उतारो यार। क्या कर दिया ऐसे जीजू ने, बताओ ना। सॉरी, तुम्हारा बहुत स्पेशल डे है ये, तुम एंजॉय करो इसे टू द फुलेस्ट। आई एम ओके।